लोगों को आगे बढ़ाते हैं। हेलो हेलो, मैं काफी देर से नोट कर रहा था आप मेरे से सेल्फी खिंचवाना चाह रहे हो, पर शर्मा रहे थे। कोई ऐसी बात नहीं, मैं इनकार थोड़ी करूंगा, आप ले लो। ये कहां से है? सिक्योरिटी? नहीं नहीं, सिक्योरिटी के साथ नहीं खिंचवाऊंगा, इस तरह नहीं कि सबके साथ, सिर्फ आपके साथ। अभी आप बोलोगे बैरोज साहब के साथ खिंचवा लो, फरी अल्ताफ के साथ, नहीं भाई नहीं, बस आपके साथ। यार आप कहां से आ गए हो भाई? मैं लाहौर से आगे गया था ना, वहीं से आ गया हूं। बड़ी गंदी तुमने प्रमोशन की अपनी फिल्म की यहां पे आके। और आप बताएं क्या हो रहा है? सेल्फी तो हो जाए। सेल्फी लेके तुम चले जाओगे यहां से? हां हां, आप ले ले, मैं जरा लेता हूं ना, तो मेरा दीपक परवानी की तरफ मुंह बड़ा आता है। यार क्या कर रहे हैं, फाखिर की तरह पूरी जिंदगी लेफ्ट साइड दिखानी है। ये वाला भी लें, ऐसे करके सेल्फी लेनी आती आपको। चलो ये होगी तुम्हारी सेल्फी, ये होगी। चलो अब तुम यहाँ से निकल सकते हो। आया वक्त, कौन कौन है आज? यार बहुत बड़े बड़े स्टार्स आए हुए हैं, देखो। मसलन? बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं, ये देखो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जावेद शेख साहब बैठे हुए हैं हमारे साथ। सर कैसे हैं आप? बहुत बड़े फैन हूं मैं। बैठे हैं नबीला है, मियां यूसुफ सलाउद्दीन साहब बैठे हुए हैं, मराद नहीं आए, मायरा खान बैठी हुई है, फवाद आया था लेकिन वो आ गया। फवाद की क्या बात है, मैंने उनकी फिल्म देखी अभी। कौन सी? कपूर एंड सन्स। हाँ, एक तो वो खूबसूरत है, कपूर खानदान के, आधी फिल्म तक मुझे लगा वो आलिया भट्ट में इंटरेस्टेड है, आधी फिल्म के बाद पता चला वो तो महेश भट्ट में इंटरेस्टेड है। ये तो निकालो इसे यहाँ से यार, तुम बड़े बेशर्म आदमी, चलो यहाँ से जाओ। यार आप बदतमीजी कर रहे हैं। बदतमीजी के क्या, बड़े बेशर्म हो तुम। बेशर्म ना कहे मुझसे, उसे सभा कमर याद आ जाती है मुझे। और आप बताएं, आपका ताल्लुक क्या है होस्टिंग से? आप एक्टर हैं, सिंगर हैं, पेंटर हैं, तो होस्टिंग से क्या ताल्लुक है? क्या मैं होस्टिंग नहीं कर सकता? नहीं। सना बुचा को जानते हो? हाँ। उसने भी तो एक शो होस्ट किया, जब वो कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकता? बात तो ठीक है, आपने देखा वो शो? मैंने थोड़ा सा। वो ऐसे प्रेजेंट करती थी अवार्ड जैसे इसहाक डार असेंबली में बजट प्रेजेंट करता है, फुल गुस्से में। फिर एंड में कहती थी कि आप चलते हैं बेस्ट एक्टर की तरफ, और बेस्ट एक्टर की तरफ चल भी पड़ती थी। बड़ी मुश्किल से लेके आया उनको। तुम चलो अब यहाँ से, तुम चलो। अच्छा मुझे बताएं, ये ड्रामे का हो रहा है सब कुछ? ये ड्रामे का हो रहा है। तुम ड्रामों के बारे में क्या जानते हो? मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, आप क्या जानते हैं? आपका क्या ताल्लुक ड्रामों से? यार ड्रामा इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, आजकल बड़ा अच्छा काम हो रहा है ड्रामों पे, बड़े अच्छे अच्छे ड्रामास बन रहे हैं। तुमने नहीं देखे? ये तो सारी स्क्रिप्ट हो गई, ड्रामा बताएं कौन सा अच्छा। तुम बता दो कौन सा ड्रामा अच्छा है यार। यार मेरे ख्याल में तो ड्रामा जो सबसे सही चल रहा है ना इस वक्त, वो ओमायमा का ड्रामा चल रहा है हर सेट पे। सुबह 8 बजे का टाइम दो तो रात 8 बजे फोन करना पड़ता है कि बीबी 12 घंटे गुजर गए। मायमा के बारे में बिल्कुल ऐसी बात ना करना, वो बहुत बड़ी स्टार है। बड़ी तो है, मैं कम उम्री से उनके ड्रामे देखता आ रहा हूँ। फिर बड़ा हुआ तो मैंने उनकी इमरान हाशमी वाली फिल्म देख ली, और फिर तो फिल्म देख के जवान हो गया अंदर से। बस ऐसे ही है। बेशर्म होने। और बताएं कौन से ड्रामे आ रहे हैं आजकल? देखो आजकल वो मनमाहेल आ रहा है, बड़ा अच्छा ड्रामा। मनमाहेल बहुत अच्छा ड्रामा। कौन है उसमें? उसमें है अपना मेरा भाई हमजा है उसमें यार। हमजा कैसे हो सकता है, हमजा तो फेसबुक पे। हमजा देख अभी भी जोक चल रहा है तेरा, हालांकि अकाउंट बंद हो चुका है। असल में उसने बंद क्यों किया आपको पता है? नहीं। हमजा हर बात में बोलता है देखें देखें। एक दफा एक अंधे को बोल रहा था वो, तब क्या उसने कहा मैं कैसे देखूं भाई, हर बात में देखें देखें। वो बस ये लड़ाई हो गई। अब मुझे नीचे लेके चले ना। अच्छा एक शर्त पे। किस शर्त पे? बदतमीजी नहीं करेगा। देखें बदतमीजी नहीं करेंगे तो पिछले साल की तरह फ्लॉप हो जाएंगे शो। बदतमीजी जरूरी है, सोबर होने से कुछ भी नहीं होगा। आए मेरे साथ। और आपकी बदतमीजी को माइंड कौन करेगा? वो वकार जका कहीं बैठा होगा, वो देख ले फिर। वकार जका खुला हुआ है तो मैं नहीं आ रहा। उसकी हर जेब में जानवर है भाई। नहीं चले, आए नीचे आए आए। नूर हसन बैठे में, इन्होंने डर के मारे दाढ़ी रखी है। आए आगे मायरा खान। मायरा, अरे मायरा बैठे। मायरा कैसी है? अच्छी लग रही है। ठीक हो? क्या मैं तो खुशबू से ही पहुंच गया। कैसा लग रहा है टू बी द लक्स गर्ल? बहुत अच्छी फीलिंग आती है। वी वेरी प्राउड ऑफ यू, यू वेरी ब्यूटीफुल एंड पीपल लव यू। मायरा मुझे बताएं कि आपकी 2 फिल्में आई इस साल लेकिन हिट आपका एड है, क्या वजह? अच्छा मायरा ऊपर से इतनी सी है, नीचे उन्होंने 1 किलोमीटर जगह घेरी है। ये इसलिए कि तेरे जैसे अगर आए तो पकड़ के बंद कर दो उन्हें। काश चले।
अरे आयशा उमर, आयशा उमर, आयशा उमर के साथ तो तूने काम किया है फिल्म में? मैंने बिल्कुल काम किया। कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत आला। मैंने इनके साथ काम किया है, डीओपी ने इनको कम शूट किया, मैंने इनकी पर्सनल तस्वीरें ज्यादा ली। अच्छा, हाँ, सेल्फी खींचना ही इन्होंने तो सिखाया मुझे। तो एक सेल्फी आशा कैसे खींचते, सेल्फी की टेक्निक क्या है? ये सेल्फी खींचता है, मुझे नहीं आती सेल्फी लेना, आई हेट सेल्फीज। मैं तो वैसे ही। अच्छा, ये हर कोई यही कहता है सेल्फी लेते हुए, आई हेट सेल्फी। आई हैव नेवर एक्चुअली। और आयशा तो एक लेती भी नहीं है, ब्रस्ट मारती है 500-600 एक साथ। अच्छा, मियां साहब बैठे हुए। वालेकुम सर। जी वालेकुम सर। जो इस दफा का 500 का नोट छप रहा है उसमें मियां साहब की तस्वीर है। क्या बात कर रहे हैं सर, सोलो है कि लड़कियां साथ हैं? सोलो नहीं हो सकती, नोट थोड़े इंटरटेनिंग हो जाएंगे। मियां साहब सोलो कुछ नहीं करते, नबीला आई है। अगर नबीला ना होती तो सब ऐसे दिखते हैं। कसम खुदा की नबीला, इनके होते हुए भी मैं ऐसा दिख रहा हूँ, ये देखो। नबीला मेरे बाल आगे से जा रहे हैं, तो मैंने इनसे पूछा तो कह रही है कि तुम रुबीना अशरफ के साथ सर जोड़ के बैठो, उनका माथा छोटा है, तुम्हें बाल आ जाएंगे। इमू बैठे हुए हैं सर। इमू एवटार फिल्म में थे, आपने देखा इनको, ये घोड़े की पूंछ के साथ बाल जोड़ते थे, फिर कनेक्शन हो जाता। इमू आई लव यू। अच्छा, थोड़ी अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? मैं सबा मैम बैठी हुई है। मैम, आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं नहीं कहूँगा बचपन से, लेकिन वाकई। निशा बैठी हुई है, क्या गाती है एक लड़की में, गाने का टैलेंट, कपड़े पहनने का टैलेंट, बहुत से और भी टैलेंट है। कपड़े पहनने का टैलेंट, वाकई रैंप पे जब मैंने आपको जब भी देखा है, सॉलिड। अरे दादा, सेंसर बोर्ड मथीरा के साथ बैठा हुआ है। चलो आ जाओ, इंडस्ट्री बंद, चलो दुकान बंद करें, चलो तुम यहाँ से चलो। इसके मैंने देखो तो सही हो क्या रहा है पीछे? नहीं, ये तुम अच्छे नहीं, तुम चोर को आओगे। शेख साहब आपसे पूछना है, आप इतने साल से हमारे हीरो हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप आज तक इतने हैंडसम, इतने खूबसूरत हैं, इसके पीछे क्या राज है या कौन राज है? कौन राज है? आप या सिर्फ बता दो, आपको तो पता है। नहीं नहीं शेख साहब, मैं नहीं बता सकता। इस पे ना छोड़े, ये सब बता देगा। अच्छा? मैं तो और भी बता दूंगा, और मैं वो पुलिस वाला हूँ जो खुद रिपोर्ट बनाता है। आप बताएं। नहीं, बस करम है ऊपर वाले का के बात अब तक। ये सही, आपने सही सर माइंड अप कर दिया, ठीक। थैंक यू शेख साहब। अरे वो देखें, इतनी बड़ी फिल्म के डायरेक्टर बैठे हुए, नदीम बेग। किधर सर? सर मुझे बताएं। अस्सलाम वालेकुम नदीम, कैसे हैं आप? नदीम बेग, इतनी बड़ी आपने फिल्म बनाई जी, इतना पैसा लगाया जी, उसके बाद फिर अपने अवार्ड्स पे इतना पैसा लगाने की क्या जरूरत? नहीं, वो अवार्ड्स हमने नहीं किए थे। थैंक यू सो मच यासिर।